नमस्कार सत्यकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ड्राइवर्स पर। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल चुका है, ये ट्रिप हो रहा है हमारा तुंगनाथ का। आज हम जा रहे हैं सारी विलेज। तुंगनाथ जाने के लिए देवरिया ताल और तुंगनाथ दो जगहें हैं जहाँ का ट्रैक लोग जनरली करते हैं। तो ऋषिकेश से हमारी सवारी आज शुरू हो रही है, अभी हम जानकीपुर क्रॉस करेंगे और यहाँ से आज हम जाएंगे सारी विलेज रुकेंगे और वहाँ से कल करेंगे चोपता की सवारी और फिर जाएंगे तुंगनाथ। तो बने रहिए, मैं आपको मिलवाता हूँ आज हमारे ट्रैक में जो साथ में लोग चल रहे हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और फिर आपको सारी विलेज की ट्रिप कराते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस यात्रा पर आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ, हम ऋषिकेश एक्चुअली एक रात पहले ही आ गए थे और एक रात पहले हम गोविंद अग्रवाल जी के नए होटल निर्वाणा ब्लिस में रुके थे और वहाँ हम सबका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। गोविंद जी ने सबको रुद्राक्ष की माला पहनाई और बहुत अच्छे से स्वागत करने के बाद फिर पूरी धमा चौकड़ी हुई। पूरी एडमिन और मॉडरेटर की जो टीम है घुमक्कड़ जिंदाबाद की, वो मिली और फिर उन्होंने क्या मस्ती की, क्या मजाक किया, उसके कुछ ग्लिम्सेज आपके सामने हैं। एक मिनट, जेब के साथ ये देखो राहुल भाई विदाउट जैकेट, जिसको मैंने कहा था जब भी पहली बार मिलूंगा अमन भाई की राहुल भाई की जैकेट उतरवाई जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी मिलना होगा राहुल भाई से पहले उनकी जैकेट उतरवाई। ये ही वो जैकेट है, इसकी जेब दिखाना, इसकी जेब दिखाओ। ये यही वो जैकेट है, यही है। और ये अपनी इज्जत के बिना मेरे कपड़े दे दो, अब नहीं मिलेगी। बस ये सोच रहा है कि ये कप और ये मिलकर के जापानी ये विभीषण बोलने से बच जाएगा, लेकिन आज जो इस विभीषण का मतलब ये दिन आज मैं बता रहा हूँ, कब ये समय देखो आप क्या हो रहा है, इस समय 7:40 हो रहे हैं। ये दिन ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा आज के बाद, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। बख्तावर सिंह आपसे एक खास निवेदन है, भाभी से उधर ना, भाभी से इधर, भाभी इधर आज के रात में बीच में मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि आज इसका हेलीकॉप्टर बनने वाला है, ठीक है? जो भी हो इसका होने देना, और आज जो होगा उसके सारा आप लोग लाइव देखेंगे आज। अभी हमारा खड़ूस एडमिन आ रहा है थोड़ी देर में, ठीक है? वो तो लठ लेकर के आ रहा है, एमसील भी ला रहा है साथ। ये रिश्वत दी जा रही है हमें ट्रैक पे चलने के लिए, इसका कोई शिष्टाचार से इसका कोई लेना देना नहीं है इस भाई का, नहीं। ये रिश्वत है और इसकी पैसे हम नहीं देंगे आपको, ट्रैक में नहीं ऐड होंगे, ठीक है? टीएनसी पे देख लिया जाएगा। थैंक यू बंजारा की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत भाई आप बोलना। किससे मिल रहे हो नीरज भाई आप? आज इसका चीरन हो गया। सॉरी एडमिन, इसकी जैकेट उतार दी गई है, अप्रूव करते हो ना तुम ये बात? इसका चीरन हो गया, बस ये हो जाएगा काम। फिलहाल हम अपनी ट्रैवलर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस ट्रिप में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आपको भी मिलवाने वाला हूँ। ये है जानकी पुल, इधर ऋषिकेश से गंगा मैया आ रही हैं और इधर हरिद्वार की तरफ जा रही हैं, और ये खूबसूरत सा ब्रिज, और ये देखिए पीछे, ओहो थोड़ा डार्क हो गया। कल रात भी इस पर हम वॉक पर आए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था रात को ये ब्रिज। तो ये जो आप लोग आगे लोग चलते हुए देख रहे हैं ना, ये भीड़ नहीं है ऋषिकेश की, ये सारे आज के ट्रैकर हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, और इन लोगों से मैं एक एक करके आपको मिलवाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत ही सारे। हम ऋषिकेश में हैं, यहाँ से हम देवप्रयाग, धारी देवी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए निकलेंगे हम आज सारी के पास। आज का स्टे हम करेंगे सारी में, और इसके बाद कल हम जाएंगे तुंगनाथ, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, 36 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है उसकी, और ट्री लाइन के ऊपर है। तो फिलहाल आज के इतने बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट की बात नेक्स्ट डे करेंगे हम। मतलब ये है कि आज हम सारी जा रहे हैं। हाँ, आज हम सारी जा रहे हैं, ठीक। सो नो सॉरी,
सो ये थोड़ी बहुत बकैती तो आपने सुन ली मिस्टर शैलेश की। ये थे हमारे ट्रैक लीडर जिनके बारे में आपको मैंने अभी तक नहीं बताया था, बता देता हूँ, यही इस ट्रैक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये है ट्रैक लीडर मिस्टर शैलेश, थैंक यू। और इनका एक क्या है आपकी कंपनी है? ट्रैवल बाजी के नाम से। ये इसमें तो हाँ ये देखिए ये है, आप कभी भी हिमाचल में उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैक करना चाहें, ये ऑन एंड ऑफ ट्रैक करवाते रहते हैं। तो आज हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, अगर इनका रिस्पांस अच्छा मिला तो हम आगे वीडियो में आपको इसको रिकमेंड भी कर देंगे, बट अभी देखते जाइए, शुरुआत ही देखते जाइए। बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। हमारे पास है शैलेश पार्ट टू, शैलेश अग्रवाल उर्फ सनी, तो ये भी हमारे साथ है। सर कहाँ से? आगरा से हैं। आगरा से हैं, मुंबई रहता था लेकिन अब आगरा आ गए। आगरा आ गए तो कंटेंडर नंबर टू। चलिए औरों से मिलाता हूँ। साथ में है अश्विनी जी। अश्विनी सर आप कहाँ से हैं? मैं न्यू दिल्ली। अश्विनी सर दिल्ली से, यानी अपने पड़ोसी हुए, तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। सर से एक बार पहले भी मिलना हो चुका है। सर से हम सर 2019 में मिले थे, शायद 18 या 19 में मिले थे, दिल्ली के अंदर ही मीटिंग हुई थी एक घुमक्कड़ी जिंदाबाद की तब। और हाँ साथ में बता दूँ, ये जो पूरा प्लान है ये सारा घुमक्कड़ी जिंदाबाद की जो एडमिन मॉडरेटर और जो सारे मेंबर्स हैं वो सब मिलकर कर रहे हैं। बाकी और लोगों से मिलाता हूँ। और शैलेश ने मेरी बेइज्जती करने के लिए एक सिनेमेटोग्राफर भी बुलाए हैं, मिस्टर सावन। हाय सावन। हाय, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। ओके, बाकी 5 दिन की ट्रिप में मैं ही आप लोगों का शूट करूंगा। और इस वीडियो में जो भी थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं इनके पैरों में गिर के इनको धार मांग लूंगा, वो आपको इनकी तरफ से मिलेंगे, वो क्रेडिट दिया जाएगा उसका। बिल्कुल हेल्प करूंगा और बहुत बढ़िया से बढ़िया फुटेज आपको दिखाएंगे इन 5 डेज। चलिए बाकी लोगों से मैं आपको मिलवाता हूँ अभी अंदर, क्योंकि ट्रैवलर आ गया है, धूप बहुत है। चलते हैं अंदर और मिलते हैं बाकी लोगों से। ये चली हमारी सवारी, साथ में और सब लोग आ गए हैं चलने के लिए, रेडी हैं एवरीवन। और चलिए इस ट्रैवलर को पकड़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक पर। ये ट्रिप होने वाला है अगले 3 दिन का, तो इन 3 दिनों में हम आपको लेकर चलेंगे 3 बहुत ही खूबसूरत अलग अलग जगहों पर। दिल कर हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। सवारी पहुंच चुकी है देवप्रयाग। अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी जो कि आती है गोमुख से, और अलकनंदा जो कि आती है सतोपंत लेक से, सतोपंत ग्लेशियर से, और यहाँ आकर बनती है गंगा। इससे पहले वरना वो अलकनंदा है, ये भागीरथी है, और ये गंगा नदी जाती है ऋषिकेश के लिए। अगर आप चाहें तो ये ऋषिकेश से 60 किलोमीटर के आसपास है, और आप नीचे जाके स्नान भी कर सकते हैं। वो जो नीचे नज़र आ रहा है आपको पॉइंट, उसके लिए आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। देवप्रयाग से कुछ 20-25 किलोमीटर आगे और श्रीनगर से कुछ 10-15 किलोमीटर पहले हमने लिया अपना लंच ब्रेक। एक रोड साइड ढाबे पर जाकर हमने खाना खाया, और यहाँ बड़ा टेस्टी ताज़ा खाना मिला, लोकेशन बहुत अच्छी थी, और यहाँ शैलेश जी यानी शैलेश अग्रवाल जी ने अपने हाथों की कारीगरी भी दिखाई, और उन्होंने हमें छाछ बनाकर भी पिलाया। ऋषिकेश से चलकर और लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम लोग आ गए हैं धारी देवी टेम्पल। धारी देवी इधर उत्तराखंड में बहुत ही रिस्पेक्टेड माता मंदिर है, और इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। चलिए ज़रा नीचे चलते हैं। धारी देवी जी का जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है,
उसके लिए मेन रोड से आपको थोड़ा सा नीचे उतर कर जाना होगा और वो रहा मंदिर। मेरा उत्तराखंड कई बार आना हुआ लेकिन धारी देवी आज पहली बार जा रहा हूँ मैं। चल बच गया, खत्म तो हो गया। चल वो देखिए नीचे वो मंदिर है और आगे श्रीनगर डैम की वजह से मंदिर का थोड़ा सा उठाया गया, मंदिर को ऊंचा किया गया। अश्विनी जी, धारी देवी जी की क्या महत्व है, क्या महत्व है कुछ बताएंगे? धारी देवी को उत्तराखंड के चार धामों की रक्षक माना जाता है। अच्छा। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब 2013 में धारी देवी को विस्थापित किया जा रहा था, घोषित हो रही थी, तो उसके बाद ही वो आपदा आई थी जिसमें केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। उसके बाद ही इस प्लेटफॉर्म एक बनाकर जिस जगह पे पहले स्थापित थी है वहीं पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर और माता को वापस से स्थापित किया गया। अच्छा, लोकेशन नहीं चेंज की गई? नहीं चेंज करी गई। ओके, तो आज हम जो रूप देख रहे हैं मंदिर का वो 2013 की आपदा के बाद का बन सो। ओके, ये तो पता नहीं मुझे कितना सच है कितना झूठ है, बट ऐसे कहते हैं कि सुबह इनका बच्चे जैसा फेस, अच्छा, शाम को एक यंग लेडी और रात होते होते सॉरी दोपहर को एक यंग लेडी और रात होते होते थोड़ा सा ओल्ड एज फेस हो जाता है। कुछ फोटोज ऐसे हैं इसके ऑनलाइन ना, अच्छा, गूगल पे। ट्रैक लीडर, ये जो धारी देवी हैं ये कौन सी देवी हैं? मतलब इनको कहा गया कि ये जो आपके जो चारों धाम हैं ये उनकी रक्षा करती हैं। वो तुमने सुन ली अश्विनी जी की बात, वो मान गया। कौन सी बात? जो अश्विनी जी ने बताई। नहीं, और भारत के हर धार्मिक स्थल पर पाई जाने वाली ये मार्केट जो बहुत कॉमन है, प्रसाद, तरह तरह की मालाएं, ज्योतिर्लिंग, पूजा के सामान सब मिलता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। वो रोड से ऊपर से चढ़कर नीचे होते हुए हम लोग आ गए यहाँ और ये है मंदिर का मेन प्रांगण। हालांकि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड। मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए दोस्तों, हालांकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट चारों से तरफ से मंदिर देख लिया है। बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है और अगर आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं ना डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेक लेना बनता है और इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर बनते हैं। रोड से ज़रा सा नीचे उतर कर आना है, लोकेशन बहुत प्यारी है और धारी देवी जो हैं बहुत सम्मानित देवी हैं, यहाँ की चारधाम की रक्षा धारी मानी जाती हैं, सेवियर मानी जाती हैं जैसा कि कहा जाता है। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं वापस आगे की तरफ और श्रीनगर से सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है यहाँ तक आने का। अब ऊपर चलते हैं वापस। हालत खराब हो गई, असमी इस गमसे की जिसकी वजह से पसीना पसीना पहुँच ले रहा हूँ मैं। चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं, टीम लीडर से मिलवा दिया था, टीम लीडर की लीडर से मिल लेते हैं। लीडर, हेलो मैम, आपका नाम? मोनिका। कहाँ से हैं आप? इनके साथ, इनके साथ हो? वहीं से हैं। ये हमारे ट्रैक लीडर की ट्रैक लीडर की लीडर है। धारी देवी चढ़कर आई है अभी बस। ओके कट अगेन। तो फिर कैसे होगा तुंगनाथ और चंद्रशिला? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको सिर्फ प्रैक्टिस की करना कैसे है। हाँ, पर शाम को। ओके, जाओ पानी पियो गाड़ी में। तेरी जुल्फ़ धरूं
जुल्फ घनी घनघोर घोर घनघोर भ्रता पर मस्त मस्त मूर्ति व्यूज के भूखे लोग गाड़ी से उतर उतर कर भाग रहे हैं व्यूज देखने के लिए। एक अच्छा व्यू पॉइंट, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एक पॉइंट पे टिक लगाना है। ओके, तो फिलहाल हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग पर और यहाँ अलकनंदा नदी वो और मंदाकिनी जो कि आती है आपका केदारनाथ से, उन दोनों का संगम होता है और बनते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग। अलकनंदा का पानी हमेशा मटमैला और ये मंदाकिनी नदी जिसने 2013 में बहुत आतंक मचाया था, ये मंदाकिनी वैली चली जाती है केदारनाथ की तरफ और ये अलकनंदा वैली चली जाती है बद्रीनाथ की तरफ। रुद्रप्रयाग पे एक और मेंबर इंट्रोड्यूस करना है। हेलो मुक्ता जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो चलिए ग्रुप के एक और मेंबर से मिलते हैं। मुक्ता जी आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान से हैं। मुक्ता जी हमारे ग्रुप की मॉडरेटर भी हैं जो घुमक्कड़ी जिंदाबाद है, आप लोग जानते हैं, और बहुत अव्वल लेवल की घुमक्कड़ भी हैं। मैम कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। सच सच बताइए। ओके, आज तो शुरू ही हुआ है पर हाँ, मैं काफी दिनों से घर से बाहर। आप तो नाहन रेणुका जी सारा घूम कर आए हैं। चलिए, और स्वर्ण जी से मिले हम नहीं मिले? चलिए अब मौका लग गया तो स्वर्ण जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से। वाओ, ये मुझे नहीं पता था, कल से हम साथ में। आप कैसा चल? नहीं नहीं, मैं तो दिल्ली से हूँ, आप छत्तीसगढ़ से, ये नहीं पता था। अच्छा। आपका ट्रिप कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कौन बचा? हाँ, गोविंद जी बच गया। हेलो गोविंद जी। नमस्कार। नमस्कार, आप ऋषिकेश से हैं? हाँ जी सर। गोविंद जी ऋषिकेश से हैं, इनको आपने पहले भी देखा था जब मैंने आपको आज फ्लैशबैक दिखाया था कल रात वाली वीडियो का। ऋषिकेश के महाराज कह लो अब इनको हमारे ग्रुप में, क्योंकि ऋषिकेश के करता धरता सर्वा सर्वा सब बन चुके हैं। तीन तीन बहुत बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट हैं निर्वाणा के नाम से, निर्वाणा रिजॉर्ट है, निर्वाणा पैलेस है, निर्वाणा ब्लिस है जिसमें हम रुके थे। ऋषिकेश आते हैं तो डू कॉन्टैक्ट हिम, वैसे तो सबको पता ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके अलावा बहुत बड़ा दिल है। और हाँ, ये मेंशन, ये मैंने कल काफ़ी कुछ बताया। अच्छा, हो गया है तो वो आपको मैंने बताया ही था, तो वो सब कुछ है ही है और बड़ा मज़ा आ रहा है अभी। ट्रिप मस्त चल रहा है। आपका ट्रिप कैसा चल रहा है अभी तक? मस्त। यो मैं आपका फोटो डालूंगा, दूसरा वाला, साइड वाला। अच्छा, दूसरा वाला यहाँ पर। कैसा वाला? पुराना वाला। अच्छा, जेलस ब्रो, जेलस। शैलेश पार्ट टू से मिल लिए थे, शालिनी जी से मिल लिए थे, तो आपकी जरूरत नहीं है दोनों की अब, सॉरी। इधर मिल लेते हैं आप हिमांशु से, ये मेरे साथ दिल्ली से आए थे। हिमांशु और मीशु दोनों साथ में हैं। हिमांशु दिल्ली में रहते हैं। कैसा चल रहा है ट्रिप हिमांशु? फर्स्ट क्लास, एक नंबर। एक नंबर। और साथ में हिमांशु की कांगन मिसेस हिमांशु और मिसेस हिमांशु एरी। डॉली ऑफिस, डॉली ऑफिस। तो ये हिमांशु की मिसेस हिमांशु हैं। कैसा चल रहा है मैम आपका ग्रुप? मजा आ रहा है ना? चलिए, रुद्रप्रयाग कैसा लगा आपको अभी? बहुत बढ़िया, ऊपर से अच्छा लगा। चलिए, तो बस अब अगले तीन चार दिन आपको यही दिखाएंगे बस। आज तो सारी पहुंचना है, सारी पहुंच जाते हैं, रुकेंगे, फिर कहानी अगले ब्लॉग में आपके सामने आती रहेगी। अभी फिलहाल रुद्रप्रयाग से सारी के लिए। अरे हाल फिलहाल में उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यार, रोड पर ही सारा कुछ आके जम गया है, और अगर दोबारा बारिश हो तो मामला फिर गंभीर हो सकता है इन जगहों पर। सिंगल एंट्री एग्जिट की जगह रह गई है फिर। देखिए क्या हाल है भाई साहब, ये तो TNT से ही हटेगा, ये वैसे हटेगा भी नहीं, नहीं हिलेगा भी नहीं है। कल की हमारी
मंजिल वो सामने चंद्रशिला पीक। सो आज रात का स्टे स्नो व्यू में। तो ये चोपता से पहले और सारी के बाद पोतीबासा नाम की जगह है और यहाँ ये होटल है। अब देखते हैं शैलेश भाई कौन सा कैसा क्या रूम देते हैं। ये लग गई है सारी। और अश्विनी जी कैसा रहा बहुत अभी तक का दिन? बहुत अच्छा, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप लोगों के साथ सफर का पता ही नहीं चला। क्या बात। और सावन भाई कितना डेटा फिल कर लिया? बहुत डेटा तो बहुत फिल हो गई है। हो गया ना, कैसे करोगे अब? भेजेंगे, दिखाएंगे आपको। चलिए अंदर चल के एक बार देख लेते हैं होटल स्नो व्यू। लाइट तो एक ही है। आप अश्विन भाई और वो भाई आए थे फोटोग्राफर, चल जाएगा आप तो रूम में सब दो हो गए। दो रूम है जो सर जाए तो चलो भाई जैसे कर कहां लग जाना ओके। मैंने दो चार था एक गैदरिंग कहीं घूमने बैंगलोर इलाहाबाद चलो। तो आज जन्माष्टमी है और ये बराबर में एक रेस्टोरेंट है, बंकर हाउस कैफे है। और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे पोतीबासा से तुंगना तक की यात्रा पे और आपको लेकर कराएंगे तुंगनाथ जी के दर्शन। तब तक बने रहिए, देखते रहिए ट्रैवल एवरेस्ट और अपना बहुत ध्यान रखिए।